हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कल्पना लोक का स्वर्ग सिक्किम के बारे में पाठ पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। रहस्यमय बौद्ध विहारों, त्योहारों, हरी भरी घाटियों, कल कल बहती नदियों की राज्य सिक्किम को मानो प्रकृति ने अपने हर रंग से सराबोर कर दिया है। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि जो सिक्किम राज्य है, उस सिक्किम राज्य में जो बहती नदियां हैं, बहती नदियां कलकल करती हुई नदियां हैं, अब उन और जो हरे भरे पहाड़ है, उन पहाड़ों ने हरे भरे उन पहाड़ों ने सिक्किम राज्य को क्या उन हरे भरे रंगों से ढांक लिया है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सिक्किम को स्थानीय भाषा में रांगरीलाल कहते हैं, यानी स्वर्ग। यहाँ के हरे भरे पर्वत, दुर्लभ वन्य जीव और रहस्यमय प्राचीन बौद्ध मठ एक सम्मोहन सा रचते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत के उत्तर और पूर्व स्थित सिक्किम को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रांगरीला कहते हैं, यानी स्वर्ग। रांगरीला यानी क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। यहाँ के हरे भरे पर्वत है, दुर्लभ वन्य जीव है और रहस्यमय प्राचीन बौद्ध मठ एक सम्मोहन सा रचते हैं। बौद्ध विहारों की उदासी क्षितिज पर गुंजता कंचन जंघा का सुनहरा राग आर्किड फूलों की सुंदरता अपने रंग बिरंगी परिधानों में सजे सवेरे खुश मिजाज लोग अपने पर्वत शिखरों, हरी भरी घाटियों, तेज धारा में बहती नदियों तथा सीढ़ीदार पहाड़ियों की भव्यता के बीच सिक्किम अपने दर्शकों को एक अद्भुत अनुभव की पेशकश करता है। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि जो भी सिक्किम राज्य में घूमने के लिए आते हैं लोग, तो वहाँ पे लोग आते हैं तो उन लोगों को वह जो सिक्किम राज्य है, वहाँ के जो वन्य जीव है, वहाँ के जो पर्वत है, दुर्लभ वन्य जीव है, तो यह प्राचीन बौद्ध मठ एक समोसा रचते हैं उन और उन लोगों को वह क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। वह वहाँ का वो जो प्रकृति है वह क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है। तो यहाँ का जो नज़ारा है वह दर्शकों के लिए एक अद्भुत अनुभव की पेशकश कर देता है। आगे देखिए बच्चों, सिक्किम पूर्व हिमालय में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। उसके उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। सिक्किम में चार जिले। आइए बच्चों, देखते हैं हम सिक्किम में कितने राज्य हैं। सिक्किम में चार राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो उसमें है, उत्तर में तिब्बत है, पश्चिम है नेपाल में, पूर्व में भूटान आदि। यह सिक्किम में चार राज्य है। सिक्किम पूर्व हिमालय में स्थित एक छोटा सा एक पहाड़ी राज्य है। सिक्किम क्या है बच्चों? पूर्व हिमालय में स्थित एक छोटा सा एक पहाड़ी राज्य है। सिक्किम के निवासी अत्यंत उत्साही है। सिक्किम के जो निवासी है, वहाँ के जो लोग रहे निवासी लोग हैं, वह एकदम उत्साही। उत्साही मतलब क्या बच्चों? खुश। तो सिक्किम वासियों की परंपराएं तथा रीति रिवाज उतने ही विविधतापूर्ण है जितने कि इस प्रदेश में बसे लपेचा, मूलत अरण्य पुत्र, भोटिया तथा नेपाली जाति समूह है। देखिए बच्चों, सिक्किम राज्य में जो लोग बसे हुए हैं तो वह लोग कैसे? नेपाली जाति के लोग हैं। कैसे है? नेपाली जाति के लोग हैं। सिक्किम के लोग बड़े ही उत्सव प्रेमी हैं। चाहे दुष्ट आत्माओं को भगाने का अवसर हो अथवा नव वर्ष के आगमन का उत्सव, सिक्किम वासी उल्लसित हृदय से सभी उत्सवों में भाग लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि सिक्किम वासी जो लोग हैं, जो नेपाली जाति के समूह लोग हैं, वह क्या कहते हैं, सिक्किम में लोग बड़े ही उत्साह प्रेमी हैं। वहाँ के लोग बहुत ही खुश रहते हैं। तो वह चाहे हर त्यौहार में वह लोग क्या करते हैं बच्चों? भाग लेते हैं। चाहे वह दुष्ट आत्माओं को भगाने का अवसर हो या अथवा नव वर्ष के आगमन का उत्सव हो या सिक्किम वासी उल्लसित हृदय से सभी उत्सवों में क्या करते हैं, वह भाग लेते हैं।
आगे देखते हैं बच्चों, सिक्किम वासी बुमचू नामक पवित्र पात्र की पूजा करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे सिक्किम वासी किसकी पवित्र पात्र की पूजा करते हैं। बुमचू नामक पवित्र पात्र की पूजा करते हैं। जैसे हम भी बच्चों भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह वो सिक्किम वासी लोग भी क्या करते हैं, वो बुमचू नामक पवित्र पात्र की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें 17वीं शताब्दी में एक बौद्ध संत द्वारा अभिमंत्रित पवित्र जल रखा गया था। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिसके बारे में मान्यता है, इसके बारे में क्या मान्यता है कि इसमें 17वीं शताब्दी में एक बौद्ध संत द्वारा अभिमंत्रित पवित्र जल रखा गया था। कहाँ पे? वहाँ पे सिक्किम में। कहाँ पे बच्चों? सिक्किम में। तो आज लगभग 300 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वह जल पहले से समान ही ताज़ा है। देखिए बच्चों, यह 17वीं शताब्दी में एक बौद्ध संत द्वारा अभिमंत्रित पवित्र जल रखा गया था उस जगह पे आज भी लगभग 300 वर्ष हो चुके हैं। वहाँ पे व्यतीत होने के बाद 300 वर्ष गए हुए हैं, फिर भी वहाँ पे वह जल पहले से समान ही ताज़ा है। पहले जैसा वहाँ पे जल था वैसा आज भी वहाँ पे वह जल वैसा ही ताज़ा है। वह जल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ लगभग 194 मठ है। यहाँ पे कितने मठ है बच्चों? 194 मठ है। सुंदर सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में मठों घरों आदि के शीर्ष पर धार्मिक पताकाएं फहराती दिखाई पड़ती है। देखिए बच्चों यहाँ पे जो सुदूर पर्वत है, कौन सा पर्वत? सुदूर पर्वत है। उस सुदूर पर्वत के ऊपर श्रृंखलाओं के मध्य मठों में घरों आदि के शीर्ष पर वो ऊंचे चोटी पर धार्मिक पताकाएं फहराती दिखाई पड़ती है। जैसे कि हमारे घर में जब हम शादी का माहौल रहता है तो शादी की तैयारी करते हैं हम, तो हमारे घर में क्या हम वो कागज़ की पताके आते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हम चिपकाते हैं और वो उनको सजाते हैं, उनको सजाते हैं हम। तो उसी तरह वह लोग भी क्या करते हैं, अपने घरों के ऊपर या शीर्ष धार्मिक के पताके हैं वहाँ पे घरों के ऊपर वह लगाते हैं और वह हमें दिखाई देते हैं। तो सिक्किम की संस्कृति में त्यौहारों का विशेष महत्व है। सिक्किम की संस्कृति में त्यौहार का क्या है बच्चों? महत्व है, बहुत ही महत्व है। सितंबर अक्टूबर में नेपाली और हिंदू मिलकर अपने सबसे बड़े पर्व हसन को नाच गाकर खूब धूमधाम से मनाते हैं। सितंबर और अक्टूबर, जैसे कि अभी सितंबर आने वाला है और अक्टूबर महीना आ रहा है, तो उस महीने में क्या करते हैं, वह नेपाली लोग हैं और हिंदू लोग हैं, वह दोनों जाति के लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं और मिलजुल कर वह सब क्या करते हैं, वह पर्व हंसी खुशी से मनाते हैं और नाचकर गाकर वह खूब धूमधाम से वह पर्व मनाते हैं। इसके बाद ताइचर त्यौहार आता है। और इसके बाद कौन सा त्यौहार आता है वहाँ पे? ताइचर त्यौहार आता है। शाम के समय लोग समूह बनाकर पास पड़ोस के घरों में मादुलो गाते हुए जाते हैं। शाम के समय लोग क्या करते हैं, वहाँ पे समूह बनाकर हिंदू और नेपाली लोगों का वो क्या करते हैं, समूह बनाकर वो घर में पड़ोस में घरों में क्या करते हैं, मादुल गाते हुए वह गीत गाते हुए जाते हैं। और अगस्त सितंबर में पम्बला हबसोल और दिसंबर में केगा चामसे दोनों उत्सव बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए विशेष महत्व के हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगस्त और सितंबर महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, पम्बला हबसोल और दिसंबर में केगा चामसे दोनों उत्सव बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए विशेष महत्व के है। साथ ही ये धार्मिक त्यौहार उल्लास परिहास के हैं। तो देखिए बच्चों साथ में ये धार्मिक त्यौहार का प्रतीक भी है। ये त्यौहार बौद्ध इतिहास की गाथाओं और किंवदंतियों से जुड़े हैं। ये जो त्यौहार है बौद्ध धार्मिक लोगों का इतिहास है, उन इतिहास के गाथाओं को किंवदंतियों से जुड़े हुए हैं। इसमें सत्य और न्याय के एक हक में लड़ते हुए योद्धा दुष्ट आत्माओं का दमन करते हैं। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं बच्चों, इसमें सत्य और न्याय के हक में लड़ते हुए योद्धा
दुष्ट आत्माओं का दमन करते हैं, नष्ट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो योद्धा है वो क्या करते हैं, सत्य और न्याय के हक में जो लड़ते हुए योद्धा है वो दुष्ट आत्माओं को वो नष्ट करते हैं। फसल पकने और कटने के समय किए जाने वाले लोग नृत्य मानवीय श्रम की कहानी सुनाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो फसल उगाते हैं वो क्या बाद में काटने के समय वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और श्रम की कहानी सुनाते हैं। और जैसे वो खेतों में श्रम करते हैं उस श्रम की कहानियाँ वह सुनाते हैं। विश्व प्रसिद्ध आर्किडस फूलों के अलावा सिक्किम के दक्षिण पश्चिम में याक, बांस, इलायची और संतरों के विशाल बाग है। वहाँ पे सिक्किम में कौन कौन से विशाल बाग है, तो सिक्किम में है, दक्षिण पश्चिम में है याच, बांस, इलायची और संतरों के विशाल बाग है। तो मौसम में चेरी से भरे पेड़ों से समूह पियायंग से आगे कार्ड सेवाल और कर्ण से भरे गहरे जंगल, थोड़ा सा ऊपर लीचियों से लदे पेड़ सिक्किम की विविधता से भरी वनस्पति के मुख्य घटक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि मौसम के चेरी भरे पेड़ों के समूह पियागंज से आगे काड़ वेसाल और कर्ण से भरे गहरे जंगल है। वह थोड़ा सा ऊपर लीचियों से लदे पेड़ सिक्किम की विविधता से भरी वनस्पतियों में मुख्य घटक है। तो जैसे यहाँ पे अब जैसे कि बच्चों प्रश्न पूछा जाएगा, तो वहाँ पे हम आप सभी को यही प्रश्न का उत्तर लिखना है कि यहाँ पे घटक कौन कौन से, मुख्य घटक कौन कौन से है। तो यहाँ पे मुख्य घटक कौन कौन से हैं बच्चों, तो यहाँ पे चेरी पेड़ों से भरे समूह पियांग से और आगे कार्ड सेवाल और कर्ण से भरे गहरे जंगल, थोड़ा सा ऊपर लीचियों से लदे पेड़ सिक्किम की विविधता से यह भरी वनस्पति के मुख्य क्या है बच्चों, घटक है। वन्य जीवन में भी सिक्किम पूर्णतया संपन्न प्रदेश है, जहाँ 550 से ऊपर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। वहाँ पे सिक्किम के पर्वत है, वहाँ पे सिक्किम के पहाड़ है, उस पहाड़ों में कितनी जातियों के पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ हैं बच्चों, 500 कितने 500 पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। वही पशुओं में कस्तूरी हिरण, रीछ भौंकने वाला हिरण, चितकबरी बिल्लियाँ, नीली भेड़, विश्व विख्यात लाल पांडा, छोटे पशुओं में हिमालयी भटभटे, सिक्किम मूस, उड़ाने वाली गिलहरी बहुतामय में है। तो यह आदि उस जंगल में पशु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा अगर बच्चों आपको कि वो सिक्किम के पहाड़ में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, या कुछ पशुओं के नाम लिखे, ऐसा प्रश्न आता तो उसमें आप सभी को क्या बच्चों उत्तर निकला है कि वहाँ के पशुओं के कस्तूरे में हिरण, रीछ भौंकने वाला हिरण, चितकबरी बिल्लियाँ, नीली भेड़, विश्व विख्यात लाल पांडा, छोटे पशुओं में हिमालयी भटभटे सिक्किम मूस, उड़ाने वाली गैलरी आदि वहाँ पे पशुओं पाए जाते हैं। तो प्रकृति ने सिक्किम को उदारता से सजाया सवारा है, प्रकृति ने सिक्किम को किससे सजाया है, उदारता से सजाया है और सवारा है, इसीलिए वहाँ पे लोग जो आते हैं वह वहाँ सिक्किम को अपना स्वर्ग मानते हैं। क्या मानते हैं, स्वर्ग मानते हैं। बहुपयोगी अरण्य वनस्पतियाँ, समृद्ध वन संपदा, मध्यम स्वर में गुनगुनाती नदियाँ, वहाँ पे जो समृद्ध वन है वहाँ पे संपदा, मध्यम स्वर में गुनगुनाती या नदियाँ हैं, वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो पहाड़ के ऊपर से वो नदियाँ बहने लगती हैं, वह सुंदर गुनगुनाते हुए वह नदियाँ रंगों से भरपूर पर्व त्यौहार नाचने गाते जीवंत लोग, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कंचनजंघा, वहाँ पे जो बच्चों वहाँ पे लोग वो गुनगुनाते हैं, नदियाँ आते हैं, पूर्व त्यौहार है, वहाँ पे नाचते गाते जीवंत लोग, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, वहाँ पे कंचनजंघा है। वहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है बच्चों, कंचनजंघा है। सब मिलकर एक कल्पना लोक के स्वर्ग की सृष्टि करते हैं, और हम सब मिलकर कल्पना लोक के स्वर्ग की
सृष्टि करते हैं। स्वर्ग की सृष्टि किसकी करनी है हमें? सिक्किम की करनी है। किसकी करनी है? सिक्किम की करनी है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं कि वहाँ पे वैविध्य, वैविध्य शब्द का अर्थ क्या होता है? वैविध्य शब्द का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। और दुर्लभ, दुर्लभ का शब्द, दुर्लभ शब्द का अर्थ क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त न हो सके, जो आसानी से प्राप्त न हो सके उसे दुर्लभ कहते हैं। उल्लास, उल्लास शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्लास शब्द का अर्थ होता है उमंग या आनंद। उल्लास शब्द का अर्थ क्या होता है? आनंद, उमंग या आनंद। संपन्न शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? पूर्णतः या विकसित, उन्नतिशील, यह संपन्न शब्द का अर्थ होता है। पताका, पताका मतलब क्या? झंडा। पताका मतलब क्या बच्चों? झंडा। जैसे पताका हम लगाते हैं तो वहाँ, जैसे हम पताका, जैसे हमारे शादी का समारोह रहता है तो वहाँ पर हम पताके लगते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो पताके वो कागज़ के आते हैं, छोटे छोटे आते हैं वो है, लेकिन यहाँ पे पताका किससे कहा गया है बच्चों? झंडा, जो फ्लैग है उससे कहा गया है। तो बच्चों यह जो कल्पना लोक का स्वर्ग सिक्किम, यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।